हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गेमिंग कैंप में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को यार हैप्पी दिवाली। और जैसे कि हम दिवाली पे झालर वगैरह लगाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, दिए वगैरह लगाते हैं, इस टाइप से मैंने माइनक्राफ्ट में भी कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करी है। तो पहले उसको देखते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को? तो जैसा कि दिवाली पे अपने घर को डेकोरेट करते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को पूरे को डेकोरेट करा अच्छी तरीके से। देख सकते हो आप, लग रहा है ना काफी बढ़िया। और यहाँ पे आप लीवर को देख के पता लगा सकते हो कि क्या होने वाला है यहाँ पे। और सामने की साइड यहाँ पे डिस्पेंसर भी लगे हुए हैं, तो समझ गए होगे आप क्या होने वाला है। तो इसको हम बाद में यूज करने वाले हैं, पहले मैं आपको पूरा का टूर दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इंडिया का फ्लैग देख सकते हो, और साइड साइड में इंडिया के फ्लैग की मैंने सी लालटेन लगाई है, जिससे कि यहाँ पे लाइट वगैरह की कोई कमी ना रहे। और लग रहा है ना एकदम बढ़िया। और देखो इसके चारों तरफ सी लालटेन लगी हुई है, तो काफ़ी बढ़िया लग रही है ये। उसके बाद बात करते हैं अपने घर की। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे तीन तरह की टॉर्च होती है हमारे पास, रेड वाली और डार्क रेड वाली और ये अपनी ब्लू वाली। तो मैंने तीनों टॉर्च को इस तरीके से लगाया जैसे कि ऐसा लगे कि मैंने यहाँ पर झालर लगा रखी है, और इसी तरह का लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे झालर लगाई हुई है। तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यार दिवाली रंगोली के बिना तो यार बिल्कुल फीकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया मैंने यहाँ पे रंगोली बनाई है। बेशक ये आइडिया मैंने कॉपी करा है एक माइनक्राफ्ट की इमेज देख के, बट यार रंगोली तो बनानी जरूरी थी ना, तो मैंने ऐसी रंगोली बनाई है, काफी बढ़िया लग रही है। अरे ये बारिश क्यों पड़ गई, सारे किए कराए पानी फेर दिया। रुको जरा मैं 2 मिनट में आया। हाँ अब लग रहा है ठीक, खामा ख्याल दिवाली में बारिश पड़ गई, पटाखे कैसे फोड़ते हम। तो चलो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पर। बाकी ये रंगोली काफी अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है अपनी तबेले की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया आरजीबी लुक दिया मैंने इन तबेले को, वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। देख लो किस तरीके से यहाँ पर लाइट मूव कर रही है। तो सिंपली मैंने क्या करा है, लैंप लगाए हैं, लैंप के ऊपर कलरफुल ग्लास लगा रखे हैं आप देख सकते हैं। और लैंप के नीचे लगे हैं बहुत सारे ऑब्जर्वर जो यहाँ पे लाइट को मूव कर रहे हैं। और इस साइड जो नॉन आरजीबी लुक दिया है मैंने, क्योंकि सारे सिमिलर से होते थोड़ा अजीब से लगता, अब अच्छा लग रहा है। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे बनाया। पूरी चीज़ तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा पूरा दिखाने में, बट मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आपको आइडिया हो जाए। तो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वर वगैरह लगा रखे हैं और यहाँ पे कोडिंग करी हुई है जिससे कि ये लाइट पूरी मूव कर रही है। और पहले जो है ना ये जगह कुछ दिखने में ऐसी लगती थी, और डेकोरेशन के बाद देखो यार कितनी बढ़िया लग रही है ये जगह। चलो यार काफी ज्यादा तारीफ कर ली मैंने अपनी, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। तो नेक्स्ट चीज है यार अपना ये फाउंटेन, और देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है फाउंटेन भी। और इसके अंदर मैंने काफी सारी लाइट यूज करी है, क्योंकि दिवाली पे यार जितनी ज्यादा लाइट लगाओ उतना बढ़िया है, बिना लाइट्स के तरह दिवाली बिल्कुल फीकी है। और यहाँ पे इतनी सारी लाइट हो गई है ना, फाउंटेन की लाइट दिख भी नहीं रही है आधी ज्यादा, काफी सारी लाइट हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे डिस्पेंसर आपको दिख रहे होंगे, तो डिस्पेंसर का काम मैं अभी बताऊंगा ही नहीं आपको, वैसे आपको पता है बट ये एंड के लिए है। और हर बार की तरह इन सारे डिस्पेंसर को पावर कौन देने वाला है, क्या लगता है आपको? तो इन सबको पावर देने वाला है अपना प्यारा जनरेटर जो मैंने अपने हाथों से बनाया था, गलती से बनाया था। और इस बार मैंने इस जनरेटर को थोड़ा मॉडिफाई करा है, इस बार मैंने इस जनरेटर को थोड़ा स्लो बनाया जिससे कि धीरे धीरे काम करे, क्योंकि फायर वर्क अगर तेज तेज फेंक गया ना ये, तो फायर वर्क यार सारे के सारे जल्दी खत्म हो जाएंगे। और सारी की सारी वायरिंग जो है डिस्पेंसर के अंदर अंडरग्राउंड जा रही है, तो सारी वायरिंग तो मैं दिखाऊंगा नहीं, काफी टाइम लग जाएगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी बहुत वायरिंग आपको दिखेगी, और डिस्पेंसर भी बाहर दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे यार छुपाने के लिए जगह बना सकता था मैं, पर मैंने बनाई नहीं क्योंकि दिखेंगी नहीं। और सबसे बढ़िया चीज अपनी हैप्पी दिवाली का जो मैंने यहाँ पे बोर्ड बनाया है, यार लग रहा है ना बिल्कुल 3D और कमाल का। तो यहाँ पे मैंने लैंप यूज किया है, लैंप के पीछे मैंने रेडस्टोन का यूज किया है, और सबसे आगे मैंने कलरफुल ग्लास लगाए हैं, और यहाँ पे TNT लगाया है। गलती से भी यहाँ पे TNT पे चिंगारी जाने से ये पूरी बोर्ड फट जाएगा यहाँ पे, तो काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। ऊपर यार देखो बोर्ड देखो आप ध्यान से कितना बढ़िया लग रहा है। तो यार पूरा का पूरा टूर मैंने आपको दिखा दिया है, तो कमेंट में बताना कि आपको यार कैसा लगा ये पूरा टूर, और कैसी लगी मेरी यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह। तो यार एक चीज दिखाना मैं आपको भूल गया, यहाँ पे मैंने स्टेयर्स भी अपडेट करी है, और स्टेयर्स पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने लाइट लगाई नीचे की साइड, तो ये भी काफी अच्छी लग रही है। तो मैंने यहाँ पे अपनी काफी ज्यादा तारीफ कर ली है। तो अब लास्ट काम जो रह गया वो रह गया उस लीवर का। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लीवर दिखाया था, अब उस लीवर को एक्टिवेट करने का टाइम आ चुका है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
और दोस्तों यहाँ पे मैंने लिवर ऑन कर दिया है, अब आप देखने वाले हैं एक चमत्कार। तो देखो यार आसमान में कितने सारे फायरवर्क आ चुके हैं और देखो कितना बढ़िया लग रहा है अपना माइनक्राफ्ट का पूरा वर्ल्ड। और यहाँ पर जो गेम के फ्रेम रेट आ रहे हैं वो पूरे गिर के 10 हो चुके हैं, 10 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। बट यार यहाँ पे देख सकते हो आप आसमान कितना बढ़िया लग रहा है फायरवर्क और बारिश के साथ। क्या बारिश के साथ, ये बारिश क्यों पड़ गई यार दोबारा, 2 मिनट रुको मैं अभी आया। हाँ तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, आपने फायरवर्क अच्छे लग रहे हैं बिना बारिश के, पता नहीं क्यों बार बारिश पड़ जा रही है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू कितना अच्छा आ रहा है, कितने बढ़िया लग रहे हैं फायरवर्क और मतलब जो भी हमने डेकोरेशन करी है ना ये फायरवर्क के साथ काफी ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो दोस्तों ये पटाखे तो पूरी रात फूटते रहेंगे अच्छी तरीके से, यहाँ पे माइनक्राफ्ट के अंदर दिवाली बनने वाली है। हम रियल में पटाखे फोड़ पाए या नहीं फोड़ पाए, माइनक्राफ्ट में तो फोड़ सकते हैं बड़े आराम से। पर मैंने एक चीज देखी, जब तक ये फायरवर्क ऑन रहे ना मेरे FPS 10 या 11 रहे, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें हो गई थी मैनेज करने के लिए कंप्यूटर को, जैसे कि इतनी सारी कोडिंग करी थी मैंने और डिस्पेंसर भी काफी सारे लगाए थे, फायरवर्क काफी सारे लगाए थे मैंने, तो कंप्यूटर जो है सारी चीज मैनेज नहीं कर पा रहा था, बट तब भी गेम ठीक ठाक लग रहा था देखने में। बाकी आप बताना यार आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और हाँ एक चीज तो रह गई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।